Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari. So on students' request, I'm recording this video on bond refunding topic from Strategic Financial Management. So basically, I don't have right now the access of my studio, so so that's why I'm recording in such a manner. I will not be able to be in front of you. So the only thing that will be in front of you is the screen and the answers that I'm going to for this question I'm going to solve. So let's read out this question first. This is the bond refunding question from your practice manual. Now, ABC Limited has 300 million rupees, 12% bonds outstanding with 6 years remaining to maturity. Okay, so there is one company, ABC Limited, jiske already outstanding bond hai. Iska matlab purane kisi date pe unhone ye issue kiye honge. Theek hai? Ab aaj ki date mein 6 saal aur baki hai is bond ko mature hone ke liye. तो और इस पे हम कितना हर साल इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 12%. तो अगर हम नॉर्मल केस चलता रहे तो 6 साल में हर साल 12% इंटरेस्ट पे करते रहेंगे और 6 साल बाद में ये 300 मिलियन रुपए रिफंड कर देंगे, रिडीम कर देंगे. सिंस इंटरेस्ट रेट्स आर फॉलिंग, बट सिचुएशन क्या है पता है कि अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं. एबीसी लिमिटेड इज कंटेम्पलेटिंग ऑफ रिफंडिंग दीज बॉन्ड्स विद अ 300 मिलियन रुपीज इशू of 6 year bonds carrying a coupon rate of 10%. अब क्या है पता है क्या, अगर कंपनी चाहे तो ये पुराने बॉन्ड जो है 12% वाले ये कंटिन्यू रख सकती है, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट रेट मार्केट में गिर गए हैं तो कंपनी क्या कर सकती है, ये जो पुराने बॉन्ड है ये एक्चुअली है कॉलेबल बॉन्ड. ओके, जिस तरह से क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ उससे मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ, इंटरप्रिट कर सकता हूँ कि जो पुराने बॉन्ड है कॉलेबल बॉन्ड है, यानी कि मैं मैच्योरिटी के पहले इस बॉन्ड को रिडीम कर सकता हूँ. ठीक है, तो कॉल बैक कर सकता हूँ. तो मैंने कॉल कर लिए मान लो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो 300 मिलियन का जो ओल्ड बॉन्ड है 12% वाले, ये रिडीम करके नए बॉन्ड इशू कर सकता हूँ मार्केट में, जिसकी 6 साल की मैच्योरिटी होगी और जिस पे मेरे को सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है 10% के हिसाब से. तो इससे फ़ायदा क्या होगा कंपनी को, 2% हर साल इंटरेस्ट कम जाएगा, और 2% 300 मिलियन पे बहुत होता है. इसीलिए ये सारा क्वेश्चन का माजरा हमारे सामने आया. ये छोड़ दो. नाउ इशू कॉस्ट ऑफ द न्यू बॉन्ड विल बी 6 मिलियन. नए बॉन्ड को इशू करने के लिए 6 मिलियन की कॉस्ट आएगी, और जो कॉल प्रीमियम है आपका वो होगा 4%. कॉल प्रीमियम यानी कि सीधी सी बात है, पुराने बॉन्ड आप मैच्योरिटी के पहले कॉल कर रहे हो तो जनरली कंपनीज क्या करती है, एक्स्ट्रा पैसा देती है. तो चलो, क्योंकि यार हमने आपको और आप तो सोच रहे थे कि 6 साल तक और इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन हमने क्योंकि कॉल कर लिया वापस 6 साल पहले ही, तो हम आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, दैट इज़ 4%. तो 300 पे 4%, यानी कि तकरीबन 12 मिलियन के आसपास पैसा एज अ कॉल प्रीमियम जाएगा. दिस इज़ एक्सपेंस टू द कंपनी विच विल बी रिटर्न ऑफ इमीजिएटली. नाउ 9 मिलियन बींग द अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन ऑफ द इशू कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स. पुराने बॉन्ड्स जब भी इशू किए थे तब कुछ इशू कॉस्ट लगी थी, जैसे कि नए बॉन्ड इशू करने के लिए कॉस्ट कितनी बोल रहा है वो 6 मिलियन की कॉस्ट बोल रहा है. ठीक है, लेकिन जो पुराने बॉन्ड थे उसमें भी कुछ इशू कॉस्ट लगी थी और उसको हम हर साल अमोर्टाइज करते आ रहे थे. अभी जो अनअमोर्टाइज पोर्शन बाकी है वो है 9 मिलियन का, मतलब आज से लेकर 6 साल तक मैं ये 9 मिलियन अमोर्टाइज करूँगा. 9 डिवाइडेड बाई 6 करूँगा तो तकरीबन 1.5 मिलियन एवरी ईयर आता है. ठीक है, पोर्शन ऑफ द इशू कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स कैन बी रिटर्न ऑफ नो सूनर द ओल्ड बॉन्ड्स आर कॉल्ड ऑफ. अगर मैं ओल्ड बॉन्ड्स वापस बुलवा लेता हूँ तो ओल्ड बॉन्ड से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है वो आगे बढ़ा के कोई मतलब है क्या? नहीं, जब ओल्ड बॉन्ड ही नहीं आगे बढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड कॉस्ट कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ. तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब ओल्ड बॉन्ड अगर आप ख़त्म कर दोगे आज ही, तो उससे रिलेटेड सारी कॉस्ट भी आज ही ख़त्म कर दो, मतलब PNL में उसको राइट ऑफ कर दो. ठीक है, अब आती है बारी मार्जिनल टैक्स रेट की, जो कि 30% है, और क्वेश्चन ये बोलता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन. नाउ लॉट्स ऑफ पीपल आर आस्किंग दिस क्वेश्चन दैट सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, हमारे ये नया कॉन्सेप्ट है. सी आई विल टेल यू, बॉन्ड रिफंडिंग इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट. इसका आंसर जो प्रैक्टिस मैनुअल में दिया है वो है इंक्रीमेंटल अप्रोच से सॉल्व किया हुआ. कैपिटल बजटिंग का आपने चैप्टर देखा होगा, कैपिटल बजटिंग में देर इज़ वन अप्रोच कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल अप्रोच. तो बेसिकली आपको वही अप्रोच फॉलो करना है यहाँ पे और आंसर निकालना है. एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द कैपिटल बजटिंग हियर. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू सॉल्व.
नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, क्योंकि आपको प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस मैनुअल का जो आंसर है वो कन्फ्यूज़ हो रहा है, मैं दोनों सिचुएशन अलग अलग लेके सॉल्व करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि इंक्रीमेंटल इसको कैसे बनाया जा सकता है. सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट. So now we are going to solve this question. Have a look on this. This is the Excel sheet, plain Excel sheet on which I am solving the entire question. So please pay attention. अच्छा, एक चीज़ जो पुराने क्वेश्चन में नहीं थी, आई थिंक वो ये है कि डिस्काउंट रेट आपको नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में. आई थिंक दैट इज़ मिसिंग हीयर. सो वॉट यू विल हैव टू डू इज़ यू विल हैव टू एड वन मोर लाइन हीयर दैट द कॉस्ट ऑफ द बॉन्ड्स और द डिस्काउंट रेट दैट यू विल हैव टू यूज़ इज 7%. दैट वॉज द पार्ट, बिकॉज आगे जब क्वेश्चन में सॉल्व किया गया है इन्होंने 7% लिया है तो हम भी वही लेके चलेंगे. ठीक है, नाउ प्लीज़ पे अटेंशन. यहाँ मैं ईयर्स ले लेता हूँ, यहाँ मैं पर्टिकुलर्स ले लेता हूँ, कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आट 7% एंड प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है, छः साल दिए थे उन्होंने, 3 और 3 6. ठीक है, अब मैं सिचुएशन लेता हूँ पहले. ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन मान लो कि देखो आपको ना पूरे क्वेश्चन में क्या सॉल्व करके बताना है कि क्या मैंने बॉन्ड रिफंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है पता है? इसका ये मीनिंग होता है कि क्या कंपनी ने ओल्ड बॉन्ड कंटिन्यू करना चाहिए, और दूसरी सिचुएशन आती है कि क्या कंपनी ने नए बॉन्ड लाना चाहिए. तो मैं सबसे पहले सिचुएशन लेता हूँ कि इफ़ ओल्ड बॉन्ड इज़ कंटिन्यूड. ठीक है, अगर मैं सिर्फ ओल्ड बॉन्ड को कंटिन्यू रखूँ तो मेरे कैश फ्लो क्या होंगे. नाउ तीन हिस्सों में कैपिटल बजटिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको बेसिकली तीन हिस्सों में आप कैश फ्लोज को डिवाइड कर सको. पहले तो जीरो पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि इनिशियल कैश फ्लोज क्या हो रहे हैं, उसके बाद में ऑपरेटिंग कैश फ्लोज क्या हो रहे हैं, और उसके बाद में टर्मिनल कैश फ्लोज क्या हो रहे हैं. तो मैं इनिशियल कैश फ्लोज की बात लेता हूँ. अब इनिशियली अगर मैं ओल्ड बॉन्ड कंटिन्यू करूँ, आप ही सोचो ये बॉन्ड मैं पुराने टाइम में इशू कर चुका हूँ, अगर मैं आज डिसीजन लूँ कि मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ तो कोई कैश फ्लोज होंगे क्या मेरे को? नहीं, इनिशियल कैश फ्लोज विल बी ज़ीरो. ठीक है, नाउ ये तो ठीक है. अब आती है बारी आपके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की, यानी कि अब एक से लेके छः साल तक क्या क्या कैश फ्लोज होंगे. सबसे पहले आप इंटरेस्ट पे करोगे. ठीक है, अब इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है आपकी? 300 मिलियन के बॉन्ड्स हैं आपके जिस पे आप 12% पे कर रहे हो इंटरेस्ट. ठीक है, तो ये हो गए आपके 36. अब 6 साल तक पे करोगे तो 6 साल का एनुइटी फैक्टर ले लिया मैंने यहाँ पे, तो ये आपकी कॉस्ट आ गई, ये हो गई आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट 6 साल की. ठीक है, कैश आउटफ्लो हो गया. अब क्या होगा? अब एक और चीज़ है आपकी यहाँ पे कि इस पे आप टैक्स सेव करोगे, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट कॉस्ट 36 × 30%. इसको हम ले लेते हैं निगेटिव में क्योंकि कैश फ्लो है. ठीक है, और क्या चीज़ होगी ऑपरेटिंग में? टैक्स सेविंग ऑन अमोर्टाइजेशन कॉस्ट. आपकी अमोर्टाइजेशन की कॉस्ट कितनी थी? अनअमोर्टाइज वैल्यू थी 9. ठीक है, इसके बाद आप उसको 9 मिलियन को कितने 6 साल में आप अमोर्टाइज करोगे. ठीक है, और उसके बाद में ये कैश फ्लो नहीं है, इस पे जो टैक्स सेविंग होगी ये कैश फ्लोज है. सो 9/6 × 30%. अब आप चाहो तो इन तीनों को एक ही बार में ले सकते थे, लेकिन फिर वो कन्फ्यूजन बढ़ जाता, इसलिए मैंने इसको तीनों चीज़ों को आपको अलग अलग दिखाया. ठीक है, तो ये हो गई आपके नॉर्मल सा.
आप 1 से 6 साल तक ये तीन ही कॉस्ट बियर करोगे, उससे ज़्यादा कोई कॉस्ट आपको आनी नहीं है, ठीक है। अब लास्ट ईयर की बात करता हूँ मैं, टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू क्या है? रिफंडिंग, रिफंड कर दोगे आप ओल्ड बॉन्ड को। अब आप रिफंड करोगे, दैट इज़ योर कैश आउटलो, कितना वापस करोगे? जितना आपने लिया था, ठीक है, ये आप वापस करना है आपने। यहाँ पे मैं ले लूँगा कि अब नेट कैश फ्लो क्या पड़ रही है आपको। सो दिस इज़ गोइंग टू बी 317.87, मतलब 87। ये क्या है सर? ये है अगर मैं ओल्ड बॉन्ड कंटिन्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, इफ द ओल्ड बॉन्ड्स आर कंटिन्यूड। सिंपल है ये कहानी आपके, इतना तो समझ में आ गया। अब मैं आपको सेम सिचुएशन लेता हूँ, अगर मैं नए बॉन्ड को लेके आता हूँ तो क्या होगा? फिर मैं आखिरी में आपको आंसर टैली करके दिखाऊंगा प्रैक्टिस मैनुअल से, ठीक है। अच्छा, अगर आप नए बॉन्ड लेके आते हो तो क्या होगा? कैश फ्लोज क्या क्या होंगे? देखो, इफ़ यू डिसाइड दैट यू विल रिफंड द ओल्ड बॉन्ड, सो इफ न्यू बॉन्ड्स आर इशूड, ठीक है, अगर आप नए बॉन्ड इशू होते हो तो पहले क्या करोगे आप? अगर नए बॉन्ड इशू होते तो आप पहले ओल्ड बॉन्ड को रिफंड करोगे? नहीं। अच्छा, यहाँ ले लेता हूँ मैं, इनिशियल कैश फ्लोज में आपका क्या क्या आ जाएगा? न्यू बॉन्ड्स इशू, तो नए बॉन्ड आपके पास में आएंगे 300। इसके बाद में क्या होगा? ओल्ड बॉन्ड कॉल प्रीमियम ऑन ओल्ड बॉन्ड्स, या फिर पहले तो ओल्ड बॉन्ड्स को आप रिफंड करोगे तो ये 300 जाएंगे, लेकिन सिर्फ इतना जाएगा क्या? नहीं, उस पे आप प्रीमियम भी दे रहे हो, 300 पे 4% का प्रीमियम दोगे, यानी कि 12, ठीक है। ये भी जाएगा, ध्यान देना अभी। और क्या क्या होगा? कॉल प्रीमियम ऑन ओल्ड बॉन्ड्स भी गया, ठीक है। अब क्या होगा? ये क्योंकि खर्चा है तो इस पर टैक्स सेविंग होगी, टैक्स सेविंग ऑन कॉल प्रीमियम, ठीक है, इस पे हम टैक्स सेविंग ले लेते हैं। क्वेश्चन में ये भी लिखा था कि अगर आप ओल्ड बॉन्ड को रिफंड कर देते हैं तो टैक्स सेविंग होगी, सॉरी, आप अनअमोर्टाइज पोर्शन भी जो है वो रिफंड कर, सॉरी, राइट ऑफ कर दोगे, तो अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, टैक्स सेविंग ऑन अनअमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, तो वो कितनी थी सर? 9 × पूरा राइट ऑफ कर रहा हूँ तो पूरा अभी मिलेगा मेरे को, ठीक है, 9 × 30% माइनस 2.7, इसके बाद में ये तो हो गई पुराने बॉन्ड से रिलेटेड चीज़ें। ओल्ड बॉन्ड्स रिफंड किया, उस पर कॉल प्रीमियम पे किया, उस पर टैक्स सेविंग हुई कॉल प्रीमियम पे, अनअमोर्टाइज पोर्शन, न्यू बॉन्ड इशूड, तो आपको 300 आएंगे। इशू कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड्स, ये पैसा जाएगा, यह है 6 मिलियन, ठीक है। तो ये हो गई सारी आपकी इनिशियल कॉस्ट। आप ही सोचो, अगर आप नए बॉन्ड इशू करना चाहते हो तो क्या पहले बॉन्ड रिफंड करोगे, ये कैश फ्लो आएगा, उस पर प्रीमियम पे करोगे, उसके बाद में आप उस पर कॉल प्रीमियम पे टैक्स सेविंग लोगे, अनअमोर्टाइज पोर्शन राइट ऑफ करोगे तो उस पर टैक्स सेविंग मिलेगी, नए बॉन्ड इश्यू करोगे तो वो पैसा आएगा। हम यहाँ पे कैश इनफ्लोज को निगेटिव में दिखा रहे हैं, ठीक है, और इशू कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड 6। अच्छा, अगर हम चाहें तो उल्टा भी दिखा सकते हैं, कैश इनफ्लो जो है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। चलो आखिरी में डिसाइड कर लेंगे, जैसे भी फाइनल कैश फ्लोज होंगे उसके हिसाब से मैं ले लूँगा, ठीक है।
अब आती है बारी 1 से 6 ऑपरेटिंग कॉस्ट की, दैट इज़ इंटरेस्ट कॉस्ट। अब इंटरेस्ट कॉस्ट हमको कितनी पड़ रही है सर? सिर्फ 10% पड़ रही है, तो हम 10% ले लेते हैं, दैट इज़ 30, ठीक है। और इस पे 30% टैक्स सेविंग हो जाएगी आपकी, वो हो गई 4.76, ये भी आ गई। अनअमोर्टाइज पोर्शन अब कितना, 6 मिलियन था। नए बॉन्ड्स का जो इशू कॉस्ट है वो है ये 6 मिलियन, तो अब 6 पे 6 जाएगा, यानी हर साल कितना, 1 मिलियन राइट ऑफ होगा, तो उस पर टैक्स सेविंग आएगी आपकी, ठीक है। ये रही और रिफंड, और हाँ ठीक है, और आखिरी में आप ओल्ड बॉन्ड्स को रिफंड करोगे, ओल्ड बॉन्ड नहीं, अब आप नए बॉन्ड्स को रिफंड करोगे, 6 साल की मैच्योरिटी है नए बॉन्ड्स की भी, तो न्यू बॉन्ड्स को आप रिफंड करोगे तो ये पैसा जाएगा। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका। जो कैश आउटफ्लो था हम उसको निगेटिव ले लेते हैं, बाकी कैश इनफ्लो को पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो जो कैश इनफ्लोस थे मैं उसको पॉजिटिव ले लेता हूँ, और जो कैश इनफ्लोस आउटफ्लोस थे उसको मैं नेगेटिव ले लूँगा, ठीक है। अब प्रॉपर दिख रहा है, आई थिंक सो। करेक्ट। अब ध्यान दो क्या हो रहा है, फाइनल अमाउंट जो है उस पर ध्यान देना। अगर आप ओल्ड बॉन्ड को कंटिन्यू करते हैं तो आपका नेट कैश आउटफ्लो जो हो रहा है वो है 317.87, लेकिन अगर आप न्यू बॉन्ड इशू करते हैं तो आपका नेट कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू के टर्म में वो होगा 310। तो अब आप ही बोलो कौन से बॉन्ड आप कंटिन्यू करोगे। न्यू बॉन्ड्स आर इशूड, ठीक है। ये रहा कहानी, सिंपल हो गई। अगर मैं नया बॉन्ड इशू करता हूँ तो मेरे पास ये कॉस्ट बचती है, क्योंकि निगेटिव आ रही है सारी फिगर्स, इसलिए मैं इसको, ये रहा एनपीवी ऑफ द न्यू बॉन्ड्स, एनपीवी ऑफ होल्ड बॉन्ड्स अगर आप रिफंड कर दो तो ये आपकी एनपीवी आती है। अच्छा, जो आप प्रैक्टिस मैनुअल में दिया है उन्होंने क्या किया है, अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, ताकि अब आपको लिंक करने में थोड़ी सी मदद हो जाएगी। सिर्फ 3 हिस्सों में मैं कैश फ्लोस को बांटूंगा। यहाँ पे मैंने ईयर ले लिया, पर्टिकुलर्स ले लिया, और प्रेजेंट वैल्यू ले लूँगा, ठीक है। ध्यान देना, इनिशियल कैश फ्लो 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो किया, मतलब ये जो सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 है इसके बीच का डिफरेंस। अब आप ही देखो, अगर सिचुएशन 1 में इनिशियल कैश फ्लोज देखोगे तो 0, और सिचुएशन 2 में इनिशियल कैश फ्लोज देखोगे तो ये इतनी आ रही है नीचे, आपको दिख रहा है एकदम नीचे जो ग्रीन लाइन है वहाँ पे 11.7 निगेटिव सम टोटल दिख रही है। अगर नहीं तो मैं यहाँ पर आपको टोटल करके बता देता हूँ इनके, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ये इनकी टोटल है यहाँ पे, ये 0, मैं सिर्फ फाइनल फिगर्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये 6 फिगर्स जो आपको बाहर दिख रही है ये है फाइनल फिगर्स। तो अब आप ही डिफरेंस देख लो, अगर मैं ऐसा डिफरेंस निकालने जाऊं तो इनिशियल कैश फ्लोस का डिफरेंस 11.7 आ गया,
कि अगर मैं बॉन्ड रिफंड करने जाऊँ तो मेरा नेगेटिव कैश फ्लोज यहाँ पे आता है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, यानी कि 1 से लेके 6 साल तक अगर बॉन्ड रिफंड करता हूँ तो मेरा कैश फ्लो क्या होगा, दिस 98 माइनस 117 वाला, यानी 19.3। और अगर छठवें साल में टर्मिनल कैश फ्लोज में लेता हूँ यानी कि बॉन्ड रिफंडिंग, तो आप देखोगे कि यार 199 यहाँ पे भी आ रही है और 199 यहाँ पे भी आ रही है, यानी एक तरह से नहीं लिया तो भी चलता। तो जो प्रैक्टिस मैनुअल में किया हुआ है ये आपको, ये 3 फिगर्स दिखाई हुई है, ये मैं आपको टैली करके बताऊंगा, ठीक है। बेसिकली जो प्रैक्टिस मैनुअल में किया हुआ है ये वो ये है, आपको ये 3 फिगर दिखेगी, 11.7, 19.30 और 0। ध्यान देना, ये देखो आपको यहाँ पे इनिशियल आउटले दिखेगा 11.7 मिलियन का, ठीक है। इसके बाद में ये आपको दो चीज़ें ध्यान दो बस, ये 11.7 और ये 19.30। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द नेट कैश, नेट एनुअल कैश सेविंग इज 19.30 और इनिशियल आउटले इज 11.70। उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे नहीं ली, वो है टर्मिनल कैश लॉस, क्योंकि वो जीरो आ रही है हमारे केस में, इसलिए कहीं पे भी लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये दो चीज़ें की है। और सर अब आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो किया, हर सिचुएशन में उन्होंने दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला है, ये जो हमने यहाँ पे किया सिचुएशन वन और सिचुएशन टू में। बस दिक्कत क्या थी, हमने सिचुएशन वन और सिचुएशन टू के कैलकुलेशन अलग अलग से किए, इसलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। अदरवाइज़ अगर आप मिक्स करके करते तो नहीं समझ में आता। अब क्या होता है, जैसे ये बेसिकली इन्हीं ये वाले कैश फ्लोज तो ठीक है अलग ही है, सिर्फ ये वाले जो 3 कैश फ्लोज है, ये 3 कैश फ्लोज और ये 3 कैश फ्लोज अगर मैं एक साथ लिखता ना तो दिक्कत होती, जो कि यहाँ पे किया हुआ है। मेन आपको कैश फ्लोज जो नहीं समझ में आएंगे वो है ये वाले, ठीक है, जो 12 माइनस 10 किया हुआ है। देखो मैंने भी क्या किया, यहाँ पे भी मैंने दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला है, ठीक है, सिचुएशन 2 माइनस सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2 माइनस सिचुएशन 1। उन्होंने कि यही तो चीज़ की है, 12 माइनस 10 9 माइनस 6, 9 पुराने बॉन्ड की, 6 नए बॉन्ड की कैश फ्लोज, 12 पुराने बॉन्ड का इंटरेस्ट, 10 नए बॉन्ड का इंटरेस्ट, और कुछ नहीं बस। अब बॉन्ड रिफंड करने, नए बॉन्ड लाने की कॉस्ट 310 है, पुराने बॉन्ड चलाने की कॉस्ट 317 है, तो आप क्या चाहोगे कि बॉन्ड रिफंड हो जाए वही बेटर है, क्योंकि 310 में मेरा काम हो रहा है, वही हमने यहाँ पर डिसीजन लिया, द ओल्ड बॉन्ड शुड बी रिफंडेड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है। वॉट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड अ लिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर इमेज, मेरे पास में एक बेटर इमेज है इससे, अभी यह है जो पीएम के साथ में आपको दिया हुआ, ये मैंने मेरे स्टूडेंट्स को बांटी थी, सेम है, सेम क्वेश्चन है, मैंने बस आपको क्वेश्चन करके दिखाया है, यहाँ पर ये मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया था जब मेरे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन, ये क्वेरीज की थी। सो अगर आपको ये इमेज चाहिए तो आई विल गिव लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूट्यूब चैनल, सो यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू कैन गेट दैट इमेज। सो आई होप सो आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे ट्रांजैक्शन हुए हैं। थैंक यू, बाय बाय।